वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। एक्सरसाइज 8.4 में हमारी आपको तीन आइडेंटिटी जो मेन है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से दो फॉर्मूले निकलते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और दो आइडेंटिटी और है हमारी, कोसेक स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, sec square minus tan square is equal to 1। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। sin theta 1 by cosec theta होता है, cos किसका reciprocal होता है, ये लर्न होना चाहिए आपको, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। देखिए, अरे मैंने करवाया था trigonometric ratio of complementary angles, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। sin 90 minus theta cos theta होता है, cos 90 minus theta sin theta होता है। ठीक है, देखिए दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है, ई वैल्यूमेट इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों हमारे कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनमें से आप एक को चेंज कर दें, जैसे मान लो साइन 63 है, तो आप कैसे चेंज कर दे, तो याद हो 90 में से क्या माइनस करें कि 63 आ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट 27। सर मैंने एंगल को चेंज किया है, अब साइन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने का तरीका, तो ये कोस में चेंज हो जाता है, क्योंकि साइन के आगे को लगा दो, कोस साइन, और को है कोस 90 माइनस थीटा, को है तो हटा दो को साइन है, को हटा दिया तो क्या बचा, साइन थीटा बचा। ठीक है, अगर स्क्वेयर में है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, साइन स्क्वेयर 63, 90 में से क्या माइनस करें 63 आ जाए 27। ठीक है, प्लस एक को एज इट इज रहने दें, सिर्फ एक को चेंज करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। सिमिलरली नीचे भी आपने सिर्फ एक को ही चेंज करना है, या तो 17 को चेंज कर लो या 73 को। तो हम पहले को ही चेंज कर लेते हैं, cos square 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट ये 73। सर मैंने एंगल को चेंज किया है, ठीक है, प्लस cos square 73 डिग्री। अब sin 90, अब स्क्वायर को एक मिनट भूल जाओ आप, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos थीटा। ठीक है, अब आइडेंटिटी हम यहां पे लगाएंगे, सिंस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा को है तो हटा दो, साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा 27 आ गया भाई, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर भी लगा दो। समझ आया, हमने इनका यूज किया है, साइन स्क्वेयर 27 डिग्री है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा हमारा 73 है, साइन थीटा क्या 73 डिग्री। ठीक है, और स्क्वेयर है तो क्या करें, स्क्वेयर लगा दें, प्लस कोस स्क्वेयर 73 डिग्री। अब कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, थीटा सेम होना चाहिए भाई, 1 होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, तो 1 बाई 1 तो कितना आ गया 1, 1 आ गया आंसर। हमने यहाँ पे एक कौन सा यूज किया है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज किया है। ठीक है, समझ आया, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम, सेकंड साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनमें से एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं, 25 को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस क्या माइनस कर रहे हैं, जिससे कि 25 आ जाए 65। ठीक है, अब ध्यान दें, मेरा जो ये फर्स्ट टर्म है ये 65 में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको भी आप 65 में ही कन्वर्ट करें, यानी कि दोनों टर्म में एंगल सेम बना लें, यहां पे 65 आएगा, यहां भी 65 में ही रखें, यानी कि एक को ही चेंज करें, या तो 25 को चेंज करें या 65 को चेंज करें। मैं किसको चेंज कर रहा हूं, 25 को, तो cos 90 माइनस 65 साइन 65,
ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 65, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो पावर 2 हो गई, और ये भी कितनी होगी पावर 2 हो गई, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए कॉपी में आप होमवर्क करते हैं वैसे ही करना है, 9 sex के लिए माइनस 9 tens के लिए, एमसीक्यू टाइप में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये नहीं है पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, ए है 1 आएगा, करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है कौन सा है, वो जस्टिफाई करने का मतलब इसको सॉल्व करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है सॉल्व करके दिखाना है, 1 आएगा 9 आएगा 8 आएगा या 0 आएगा। देखिए 9 sec² ए माइनस 9 tens के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो मैं sec और tan को sin और cos में चेंज कर दूं जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन के जितने रिवीजन करेंगे उतना ही देखते ही पता लग जाएगा हमें करना क्या है। मैं sin और cos में चेंज नहीं कर रहा, 1 marks का क्वेश्चन है, तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे आ गया sec² a - tan square a। अब देखो sec² थीटा - tan square थीटा आइडेंटिटी क्या होती है 1, 9 मल्टीप्लाई 1 9, सिंस आइडेंटिटी कौन सी लगाई है sec² थीटा - tan square थीटा इक्वल टू 1 ये लगाया है, तो पार्ट कौन सा आया बी इज करेक्ट, समझ आया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ गए, थर्ड sec a + tan a 1 - sin a इनमें से कौन से पार्ट पे क्लिक करने हैं, कौन सा पार्ट करेक्ट है। देखें sec a + tan a 1 - sin a, जैसे कि मैंने बताया इसको चेंज कर लो साइन और कोस में, इसमें चेंज कर लो साइन और कोस में, तो इसको 1 बाई कॉस ए और यह आ गया साइन ए बाई कॉस ए, और ये है 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले लेंगे कॉस ए ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी, जहां पे भी ये आता है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है, ए की स्क्वायर मतलब की स्क्वायर 1, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, साइन की स्क्वायर का मतलब होता है ध्यान से देखें साइन ए की स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए, और मैंने आपको बताया भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ध्यान दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे लग गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी इसके इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगी यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया cos a, तो cos a कौन सा पार्ट है, this implies part d is correct। ठीक है, next question 4th का second part and 4th part, पहले second part देखिए 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cos theta minus cosec theta, इनमें से कौन सा part सही है, 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cos theta minus cosec theta, देखिए 1 plus tan theta 1 plus cos theta minus cosec theta, जैसे कि मैंने बताया है इसको हम sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम इसमें sin और cos में चेंज करते हैं, तो 1 plus tan किसके इक्वल होता है भाई sin और cos में, sin by cos, ठीक है बिल्कुल,
sec 1 by cos. Maximum times तो यही यूज करते हैं हम, जो 8.1 एक्सरसाइज में है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वही यूज करते हैं हम. 1 cot cos by sin, cosec 1 by sin theta. एलसीएम क्या आ रहा है? cos theta. इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे cos theta को, cos theta, cos theta से cos theta डिवाइड 1, 1 into sin theta plus 1. एलसीएम क्या आ गया? sin theta, 1 से डिवाइड करेंगे तो sin theta. एलसीएम ले रहे हैं हम सिर्फ cos theta minus 1. अब ध्यान दें इसको हम कैसे लिखते हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1. और ये क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा. अब ध्यान दें ए प्लस बी ए माइनस बी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन से क्या लगाएंगे हम आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे. ध्यान दें अभी क्या करेगा अभी, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, और वन बी है हमारा, वन की स्क्वायर वन ही होगा, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा. ए प्लस बी की होल स्क्वायर लगाओ ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस टू ए बी. यहां पे हमने क्या किया है, आइडेंटिटी लगाई है, कौन सी ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, और नीचे है कोस थीटा इंटू साइन थीटा. साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, आइडेंटिटी पता है ना आपको, वन प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस वन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. देखो वन से वन कैंसल, क्या बचा हमारे पास, टू साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसल हो गया, कितना आ गया टू. कौन सा पार्ट है, पार्ट सी इज करेक्ट. अब इसका कौन सा पार्ट रहता है, फोर्थ पार्ट रहता है, क्वेश्चन नंबर फोर का फोर्थ पार्ट देखिए. वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. और ये हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फाइव में टेंथ पार्ट में है यही क्वेश्चन सेम, ठीक है, उसमें हम कर चुके हैं, फिर भी देखें. वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस कोट स्क्वायर ए अब यहां पे इसको करने के कई तरीके हैं हमारे पास. एक तो हम इसको कोट को सिर्फ 10 में चेंज कर लें, पूरे एक्सप्रेशन को 10-10 में चेंज कर लें. दूसरा है साइन और कोस में चेंज कर लें. और तीसरा तरीका क्या है, हम आइडेंटिटी लगा दें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है. आपने पता है आइडेंटिटी सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है. सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस, मैंने बताया था आपको sec square theta minus tan square theta 1 होता है, तो यहां पे sec square theta निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus tan square theta, और एक आइडेंटिटी और cosec square theta 1 plus cot square theta minus cot square theta 1 होता है, तो यहां से cosec square निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 plus cot square theta बन जाएगा. तो ये हो गया sec square theta, 1 plus cot square theta cosec square theta, ठीक है. अब ध्यान से देखें sec square को कैसे लिख सकते हैं, 1 by cos square a, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by किसका reciprocal होता है sin square का, तो क्या बनाइए हमारे पास, 1 by cos square sin square a by 1, तो sin square by cos square क्या होता है, tan square, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट सही है, पार्ट डी इज करेक्ट. अब ध्यान दें यहां पे हम इस तरीके से मैंने चेंज किया सेक्स स्क्वायर को,
आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, cosec square किसका रेसिप्रोकल होता है, ऊपर जाएगा तो sin square बनेगा, और sec square क्या लिख सकते हैं, 1 by cos square, this is the same, sec square 1 by cos square होता है, और 1 by cosec square क्या होता है, sin square होता है, ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको ना लिखने की बजाय हम डायरेक्ट यहां पे भी आ सकते हैं स्टेप पे, आपकी मर्जी है, ठीक है।